गाइस, दिस इज स्वाति और आज मैं बात करने वाली हूँ वन ऑफ माय फेवरेट एक्टर की सीरीज द विचर सीजन 3 पार्ट 2 के बारे में, जिसमें 3 एपिसोड्स 6th, 7th और 8th आ गए हैं और इसी के साथ सीजन 3 की एंडिंग हो गई है। इन एपिसोड्स का रन टाइम लगभग 1 घंटे के आसपास का है एंड ऑफ कोर्स माय फेवरेट एक्टर इज हेनरी कैवल, जिन्हें आप सीजन 4 में नहीं देख पाएंगे बिकॉज उनका कुछ डिस्प्यूट हो गया है प्रोड्यूसर्स के साथ था। ये मेरे लिए एक बड़ा एडजस्टमेंट था कि मैं उनको सीजन 4 में नहीं देख पाऊंगी। अब इसके अलावा सीजन 3 की एंडिंग जिस तरीके से की गई है, जो बिजार क्लोजिंग दी गई है सीजन 3 को, वो मेरे लिए टू मच है। बिकॉज आपने ये कहावत जरूर सुनी होगी कि दुर्घटना से देर भरी, लेकिन इस कहावत की जिसे सबसे ज्यादा जरूरत है वो है द विचर के मेकर्स। बिकॉज उन्होंने जल्दबाजी में जो रायता फैलाया है इस पार्ट 2 में कि कोई भी इवेंट आपस में कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, ऐसा लग रहा है सब कुछ कूद कूद कर रैंडमली दिखाया जा रहा है और जो थॉट प्रोसेस है वो भी बहुत स्कैटर्ड लग रहा है। तो एक बढ़िया सीरीज का जो इवन फ्लो है, जो मेन फॉल्ट मुझे इसमें नजर आया है, वो यही है कि ये इवन फ्लो आपको यहाँ पर डेफिनेटली मिसिंग लगने वाला है, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट नहीं हो पाते हैं सीरीज से। सो बाकी मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा है इस सीरीज के साथ, इस सीजन के साथ, वो मैं आपको बताने वाली हूँ और आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये सीजन देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए। इससे पहले अगर आप नए आए हैं देन प्लीज सब्सक्राइब। सो अबाउट दिस सेकेंड पार्ट ऑफ द विचर सीजन 3, अगर हम स्टोरी की बात करते हैं तो जो सोर्स मटेरियल है वो बहुत ही ब्रिलियंटली और क्लियरली लिखा गया है। उसमें इवेंट बाय इवेंट सब कुछ आपस में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है सब कुछ रैंडम या अब्रप्टली हो रहा है। जो कैरेक्टर्स है वो अपने थॉट प्रोसेस में बहुत क्लियर हैं, लेकिन वही सारी चीज़ें जब यहाँ पर विजुअली प्रेजेंट की गई हैं तो वो बहुत ही बिजार लग रही हैं और ये डेफिनेटली एग्जीक्यूशन की कमी है। देखिए 6th, 7th और 8th एपिसोड की अगर हम बात करते हैं तो इन तीनों में से जो 7th एपिसोड है वो मुझे बहुत ही ज़्यादा अजीब लगा है, साथ में बोरिंग भी लगा है। यहाँ पर सीरी का डार्क नाइट ऑफ सोल दिखाया गया है, यानी वो किसी चीज़ के उहापोह में फंसी हुई हैं, स्पेल बाउंड जैसी दिखाई गई हैं और डेजर्ट से पास हो रही हैं और वो चीज़ इन्होंने इतनी बर्बाद कर दी है, जबकि उसे बहुत ही खूबसूरती से क्रिएटिवली दिखाया जा सकता था और हमने बहुत सारी सीरीज़ में मून नाइट वगैरह में यही चीज़ें बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट होते हुए देखी भी हैं। जो रीडर्स हैं वो बताते हैं कि उनका ये जो सीरी वाला पार्ट है वो फेवरेट सेक्शन हुआ करता है, लेकिन यहाँ पर उसको बहुत ही फुसकी बॉम्ब की तरह दिखाया है। अगर हम 6th एपिसोड की बात करते हैं तो 6th एपिसोड में हाँ कुछ एक्शन है, कुछ कॉन्स्पिरेसीज हैं जो डेफिनेटली मुझे पसंद आई हैं, लेकिन एट द सेम टाइम उतने ही अब्रप्ट और बिजार इवेंट्स चल रहे हैं जिनके पीछे आपको कोई भी रीजन नहीं मिलेगा। क्यों हो रहा है, कोई क्यों कर रहा है, कोई क्यों अपने नेचर को एकदम से चेंज कर दे रहा है, 180 डिग्री फ्लिप हो जा रहा है, तो इन सबका कुछ आंसर आपको मिलने वाला नहीं है। देन लास्ट एपिसोड, हाँ लास्ट एपिसोड में धीरे धीरे सारी चीज़ें क्लियर होने लगती है, यानी 8th एपिसोड में, लेकिन उनके पास इतनी सारी चीज़ें दिखाने को और वो इतनी सारी चीज़ें इंक्लूड भी उसमें कर देना चाहते हैं कि देखने वाला एकदम कन्फ्यूज़ हो जाता है और साथ ही साथ इतनी सारी चीज़ें ये इतने छोटे टाइम पीरियड में दिखा देना चाहते हैं कि हमारा इमोशनल कनेक्शन टूट जाता है। थर्ड चीज की एक सेक्शन आता है जिसमें समय बीत गया है काफी और उस चीज को ये बिल्कुल पोर्ट्रे नहीं कर पाते हैं, ऐसा लगता है कि हमें अपने आप समझना है। सो बात ओवरऑल ये है कि इन्होंने बिल्कुल भी एग्जीक्यूशन सही से नहीं किया है। वही एक्टर्स जो अभी तक हमें पसंद आ रहे थे, वही स्टोरी जिसके साथ हम बंधे हुए थे, उसको इतना खराब तरीके से प्रेजेंट किया गया है। सो मैं आपको यहाँ पर थोड़े से पॉजिटिव और बहुत सारे नेगेटिव्स बताने वाली हूँ। सो द फर्स्ट पॉजिटिव ऑफ द सीरीज विल बी एक्टिंग। एज ऑलवेज जो एक्टर्स को कहा गया है करने के लिए उन्होंने अपना 100% डिलीवर किया है, लेकिन अगर डायरेक्शन देने वाला ही सही रास्ता ना बता सके और सब कुछ ज़्यादा ज़्यादा दिखाने के चक्कर में इमोशनल कनेक्शन ही ना बनवा पाए एक्टर्स से ऑडियंस का, तो उसमें एक्टर्स की कोई गलती नहीं है। देन सेकेंड थिंग विल बी स्टोरी बहुत बढ़िया है, बिकॉज जैसा मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि सोर्स मटेरियल में इन सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से लिखा गया है, रिप्रेजेंट किया गया है, लेकिन यहाँ पर एक्सक्यूशन में, विजुअली प्रेजेंटेशन में वो सारी चीज़ें हम तक बिल्कुल भी नहीं पहुंच पाई हैं। सो स्टोरी इज गुड। देन हम नेगेटिव्स पे आते हैं जो यहाँ पर आपको भरपूर मिलने वाले हैं। पहला जो मुझे बहुत अजीब लगा है वो है कैरेक्टर्स का अब्रप्ट बिहेवियर। सभी यहाँ पर बिल्कुल अब्रप्टली बिहेव कर रहे हैं और उसके पीछे प्रॉपर रीजन भी नहीं दे रहे हैं। एक बंदा है जो अपने नेचर को 180 डिग्री फ्लिप कर देता है, एक है जो रेडिकल स्टेप ले लेता है, कुछ भी कहीं भी वॉर चल रही है, बाढ़ है, वो इधर उधर आपको घूमता नजर आएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको फ्रस्ट्रेट करेंगी। देन सेकेंड थिंग विल बी बहुत सारी चीज़ें दिखाने के चक्कर में आप सही से कुछ भी पोर्ट्रे नहीं कर पाए हैं जो हमें समझ में आए। देन थर्ड थिंग विल बी आपने इतने बढ़िया बढ़िया एक्टर्स को वेस्ट कर दिया है, वो अंडर यूज रहे हैं यहाँ पर, जो हमें बहुत पसंद थे और द विचर सीरीज देख रहे हैं हम। आप हेनरी कैवल के साथ डिस्प्यूट में हैं, लेकिन आप उन्हें जहाँ यूज़ करना है वहाँ यूज़ तो करिए, आपने उनको शुरू में वंडेड किया और बाकी टाइम लिटाए रखा, तो दैट वॉज नॉट गुड। देन सीरी की मिस्टीरियस जर्नी को आपने टोटल वेस्ट कर दिया, जिसे आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिखा सकते थे, और इस सीजन में आपने ऑलरेडी खूबसूरत एक्ट्रेसेस पर टनों मेकअप क्यों थोप रखा है, आपका ये यूजुअल पैटर्न नहीं है, फिर ये अनयूजुअल बिहेवियर इस बार क्यों। रिडानिया वाला जो एंगल है वो मुझे हर बार इरिटेट करता है और इस बार भी
एक नॉच ऊपर ही वो पहुंच गया है। वहां पर क्या बिजारनेस चलती है, वहां का राजा किस तरीके से बिहेव करता है, मेरी समझ से परे है। और इस बार तो एक स्टेप आपको आगे ही देखने को मिलने वाला है। सो इन द एंड इस सीरीज को देखने के बाद मेरा मूड पूरी तरीके से खराब हो गया था। इस वीक सीक्रेट इन्वेजन के बाद मेरा ये दूसरा बहुत ही खराब एक्सपीरियंस है, जिसको लेकर मेरी हाई एक्सपेक्टेशन थी। ट्रेलर में तो ऐसा ही दिखाया था। सीक्रेट इन्वेजन भी इसी तरीके से एब्रप्ट, बिजार और बेकार था, और ये भी वैसा ही निकला। सो दैट वॉज दैट फ्रॉम माई साइड। अगर आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। दैट्स इट, बाय।